सिवान शहर के मखदूम सराय मोड़ पीर देवी मोड़ के नज़दीक बम्बू रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, काफ़ी दिनों से बम्बू रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जाता था और चर्चा थी कि आखिर इसका उद्घाटन कब होगा। सप्तमी के दिन जिस दिन माँ दुर्गा की पट खुली उसी दिन बम्बू रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। बम्बू रेस्टोरेंट का उद्घाटन इसके संचालक सिद्धार्थ विक्रम सिंह उर्फ अप्पू सिंह के माँ किरण देवी, अप्पू सिंह के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बम्बू रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। उद्घाटन भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें कि बम्बू रेस्टोरेंट में अभी दुर्गा पूजा को लेकर प्योर वेज आइटम चल रहे हैं, यानी कि शुद्ध शाकाहारी खाना चल रहा है। दुर्गा पूजा के बाद नॉन वेज की व्यवस्थाएं होंगी। बता दें कि बम्बू रेस्टोरेंट में स्पेशली बांस में बनी बिरयानी आपको मिलेंगी, बांस में बने मटन मिलेंगे और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस बम्बू रेस्टोरेंट का निर्माण कराया गया है। काफ़ी दिनों से इसके उद्घाटन को लेकर चर्चा थी। दुर्गा सप्तमी के दिन बम्बू रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। आज बम्बू रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शायद सिवान में यूनिक ऐसा रेस्टोरेंट हमने अभी तक तो नहीं देखा, आगे हो सकता है कि देखें। और बांसों से बना हुआ है, आप आइए और इसका लाजवाब स्वादिष्ट बेहतरीन खाना खाइए। और नवरात्रि में शुभारम्भ हुआ, अभी तो नॉन वेज नहीं है, अभी शाकाहारी है, भेज है, आइए और खाइए। यहाँ बांस की बिरयानी स्पेशल बनेगी और बांसों में बनाया जाएगा, आइए और खाइए। रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहिए? मेरी शुभकामनाएं हैं। सिद्धार्थ जी, कुंदन जी, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से एक प्रयत्न किया है कि एक नई चीजों को लाने के लिए सिवान में, तो मेरी सुख एक तो बांसवारी का कॉन्सेप्ट लेकर ये लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी फूड्स ऐसे दे रहे हैं जो बांस के ही आइटम्स हैं, उसी में बनाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह का है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ये जो मैंने देखा है, अभी तो नहीं, अभी दशहरे भर तो भेज ही चलेगा, लेकिन उसके बाद नॉन भेज और भेज दोनों ही अलग है, उसके डिश अलग हैं, उसको अलग सर्व किया जाएगा, अलग वास होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अलग जी, ये तो पी देवी का मोड़ कहा जाता है यहाँ पे मखदूम सराय में। लोगों से कहेंगे एक बार तो जरूर आए और आकर अगर अच्छा लगता हो तो जरूर उसको अप्रिशिएट करें, और कहीं से कोई कमी भी नजर आती है तो निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट के लोग हैं यहाँ उनको बताएं कि ताकि वो दूर कर सके। सबसे पहले तो इसके ऑनर सिद्धार्थ जी हैं, उनको मैं ढेर सारा शुभकामना दूंगी और बधाई दूंगी। और आप देख रहे होंगे कि सिवान शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे होटल भी हैं, आए दिन खुल भी रहे हैं, लेकिन उनका जो लुक है और जो उनका खान पान है वो आज के दौर का है, और ये शुद्ध देसी लुक, चूँकि नाम से ही वो देसी एक आभास हो रहा है, और इसका जो फूड भी है वो काफ़ी देसी स्वाद लिए हुए हैं और सबको अच्छा लग रहा है। और निश्चित यहाँ पे जो भी एक बार आएंगे अपने रेस्टोरेंट में आएं और इस यहाँ भोजन का आनंद लें, और निश्चित वो जाएंगे तो निश्चित दोबारा आएंगे और आसपास के लोगों को भी बताने का काम करेंगे कि इस रेस्टोरेंट में देसी स्वाद का खाना उपलब्ध है। धर्मा का कपाट खुला है और रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, माता जी के हाथ क्या कहना चाहिए? ये बहुत बढ़िया संयोग है, एक तो कि दुर्गा पूजा का शुभ पर्व चल रहा है, सब लोग बेहद उत्साहित हैं, और हमारा देश जो पारंपरिक रूप से खान पान के लिए जाना जाता है, और नवरात्र में शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। बम्बू रेस्टोरेंट खुला, हम लोग के बारे में जानकारी हुई इसके बारे में, और ये पता चला कि पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी खाना पूरे नवरात्र भर यहाँ मिलने वाला है। ऐसे में आज उद्घाटन के दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं और माता रानी से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जिस युवा जोश के साथ खुले हैं इस रेस्टोरेंट को, ये रेस्टोरेंट में लोगों का साथ मिले और लोग आए। आज के डेट में रेस्टोरेंट में सबसे महत्वपूर्ण एम्बियंस होता है, जो आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत यहाँ पर बन पड़ा है। जैसा बम्बू नाम है रेस्टोरेंट का, तो पूरा बम्बू का काम भी है और
आधुनिक और पारंपरिक दोनों मेल को एक जगह जो समन्वय किया गया है, ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। अब खाना और सर्विंग, ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो इनको आगे संभाल कर रखना होगा अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर होना हो तो। और निश्चित रूप से खाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, स्वाद बेहद महत्वपूर्ण होगा रेस्टोरेंट को चलाने में, और साफ सफाई हाइजीन होना भी बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल आज ओपनिंग में ये सारी चीजें ये रेस्टोरेंट फुलफिल कर रहा है और हम लोग बेहद खुश हैं कि सिवान जैसे जगह पर एक इस कॉन्सेप्ट से भी रेस्टोरेंट खुला है। और आप लोगों को पता है कि मैं खाने का बेहद शौकीन हूँ, सिवान के सारे रेस्टोरेंट्स में घूमता रहता हूँ, तो आज हमारे एक छोटे भाई की तरह हैं और उन्होंने बुलाया कि आज हम लोगों का ओपनिंग है तो हम लोग आए हैं। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर आपको लगे कि यहाँ वाकई में खाना बढ़िया है, यहाँ एम्बियंस बढ़िया है, यहाँ पर सर्विंग अच्छी है, यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगों को अच्छा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग भी अपने स्तर से प्रचार करेंगे। थैंक यू। देखिए आज दोनों ही पट खुला, एक तरफ माँ दुर्गा जी का आज पट खुला, उनकी आंखें खुली, और उसके साथ साथ ये बम्बू रेस्टोरेंट का भी आज यह गेट खुला। तो आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने जो एक संकल्प लिया कि जब तक दशहरा है तब तक हम किसी भी तरह का नॉनवेज का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन रहेगा। और एक नवयुवक होकर के और इस तरह की परंपरा को जो उन्होंने कायम किया है, नाम भी बम्बू रखा है और काम भी बम्बू का ही किया गया है, और जिस तरह साफ सफाई अभी देखने को मिल रही है चारों तरफ से, जो आज का डिमांड है लोगों का, जिस तरह से हर फैमिली चाहता है कि हाँ हम कहीं जा करके सुकून से एक अच्छा जगह ऐसा मिले जहाँ बैठ करके हम लोग अपना एंजॉय करें, तो इस तरह से एक मौका मिला है सिवान को। और मैं उम्मीद करूंगी कि यह आगे भी इसी तरह की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हमारे जो ग्राहक आएंगे उनके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, और इसमें काम करने वाले कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह की साफ सफाई होती है, खाने का स्वाद क्या होता है, इन तमाम चीजों पर निर्भर करेगा यह होटल। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि जिस तरह से कॉन्सेप्ट शुरू में लिया गया है, शायद भविष्य में भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे और किसी को भी शायद उदास होकर के नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से, जैसा डिमांड होगा उस तरह का भोजन यहाँ प्राप्त होगा। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबों को भी और पूरे सिवान वासियों को भी मैं इस दशहरा की शुभकामना देती हूँ। और इस होटल में जो आज सिद्धार्थ है, चूंकि नाम भी सिद्धार्थ है और उन्होंने काम भी उस तरह से शुरुआत किया है, चूंकि यह परिवार भी मेरे से काफी नजदीक से जुड़ा हुआ है, मुझे भी अपने परिवार का एक अंग ये लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, और उस नाते उतना दूर से आकर के भी मुझे काफी नजदीक महसूस हो रहा है। तो मैं इस होटल की काफी शुभकामना भी दे रही हूँ, दशहरा की आप सिवान वासियों की शुभकामना दे रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इनके उज्जवल विकास के लिए और इस बम्बू होटल के लिए आगे भी ऐसा चमकता रहे और इसी तरह का सभी लोग खुश होकर के जाए, ऐसी ही उम्मीद के साथ धन्यवाद जी। नहीं है, अद्भुत बना हुआ है, ऐसा तो हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं, हम पटना से आए हैं इसके उद्घाटन में, सिवान में ऐसा चीज खुलना अच्छी चीज है, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर है, अच्छा भोजन मिले, ऐसी साफ सफाई, बहुत ही बढ़िया कदम है, इसका स्वागत है जी। नहीं, यूनिक है ये कंसेप्ट, यूनिक है, यहाँ बम्बू का कंसेप्ट लिया गया है। बाकी आप इंटीरियर आप देख रहे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा घूम रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे होंगे, अद्वितीय है ये, सामने देखिए सावर बना हुआ है, आनंद का उत्सव है लोगों के लिए।